विवान विवान तेरे गोल मोटे मोटे, तेरी हाइट छोटी छोटी, तेरे बाल बड़े बड़े और तेरी तो भैया प्रीतम भी हमारे साथ जा रहा है। देखो बैठ गया प्रीतम, कितनी दूर है एल्बम वाला? ऐसे मुश्किल से 100 मीटर 100 मीटर दूर है। चलो भाई ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह लग गया शिवम ब्रेकफास्ट करने के लिए नहा धो के। ये मेरा ब्रेकफास्ट रखा है, ये शिवम का। शिवम क्या बना रखा आज नाश्ते में बताओ? ये जवे हैं, मिर्च मसाले वाले, दो तरह के बनते हैं, एक मीठा एक नमक मिर्च वाला, और कॉफी। और सामने शिवम का टीवी चल रहा है, क्या देख रहा है? कुंग फू पांडा सीजन 3। कुंग फू पांडा जैसा खुद है कुंग फू पांडा, वैसे सीजन 3 देख रहा, तेरा लैपटॉप बंद हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है रविवार और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। बाकी मैं और शिवम, मैंने आपको बताया शिवम मेरा नाश्ता आ गया है, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अभी हमें जाना है प्रीतम के पास, प्रीतम जो वीडियो शूट करी जिसने मेरी सगाई वाले दिन, जो कि आपने ज्योति और बीकानेर में भी देखा होगा, ज्योति की शादी वाले दिन, तो उसने मुझे बुलाया है। आज मेरी जो एल्बम बनने वाली है सगाई की, उसकी फोटो सेलेक्ट करने और उसे ग्रीन सिग्नल देना, फिर वो आगे बनाएगा उसे आगे। तो आज मुझे शिवम को वहां भी जाना है, बाकी उसके बाद का क्या प्लान है पता नहीं, अभी तो फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। और दोस्तों ये देखिए हमारे यहाँ कौन आया है, विवान आया है, विवान शिल्पी से आज हमारे यहाँ ले आई। विवान विवान इधर, विवान देख इधर, विवान को लो, ये सुननी रहा क्या? विवान ले उधर, कोई अपनी धुन में मस्त है, एक चांटा मार दे गाल पे। विवान 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 तेरे गोल मोटे मोटे, तेरी हाइट छोटी छोटी, तेरे बाल बड़े बड़े और तेरी, तू क्या बोल रहा है खड़े खड़े? रोटी रोटी खाओ, सेहत बनाओ। शिवम रोटी खिला रहा है, रोटी तूने खा ली? रोटी खा रहा हूं। विवान विवान को चांटा खाने की आदत है, रोटी थोड़ी खाता है वो। देखो कैसे खा रहा है, ये देखो देखो देखो, बाबू देखो कैसे चबा रहा है, दांत आ गए इसके? नहीं, ला चबा चबा के दे दे फिर खुद अपना भाई। ओ तेरी तेरी, उसे भूख लग रही है। ये देखो कैसे खा रहा है विवान, विवान भूखी लग रही है, भूखी लग रही है, इसे ठंड भी लग रही है मेरे ख्याल से। हाँ ठंड नहीं लग रही उसे, वो हीरो बन रहा है हीरो। और देखो कैसे चबा चबा के खा रहा है, यानी मसूड़ों से कर गया काम इसे। एक एक रोटी खाने के बाद एक काल पे पटाक चाटा जैसे हम शिवम को दिया करते थे बचपन में। सो गाइस आ गए हम लोग बाहर और हम जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं फोटो सिलेक्ट करने जाना है, एल्बम के वेरीफाई करने जाना है, और फिर उसके बाद वो आगे काम कराएगा। देखो शिवम ने बाइक स्टार्ट कर ली और हम आज लेके जा रहे हैं छोटे चाचा की बाइक, हालांकि वाली बाइक भी खड़ी है और साइकिल भी खड़ी है, तो लेकिन हम लेके जाएंगे छोटे चाचा वाली। मोड़ ले, हेलमेट कहाँ है? अच्छा तो हेलमेट लेंगे बड़े चाचा की बाइक में, लग रहा है उधर आगे। चलो थोड़ी देर में आ रहे हैं बस, बड़े चाचा भी खड़े हैं क्योंकि इन्हें भी जाना है कहीं, तो जल्दी जल्दी आएंगे। इनका हेलमेट लेके जा रहे हैं लोग। दोस्तों ये रहा हेलमेट, ये वाला हेलमेट लेके जाएंगे बड़े चाचा की बाइक से। तो गाइस देखिए शिवम भी हेलमेट पहन के एकदम अब हुआ रेडी, क्योंकि पुलिस वालों का तक कहर बरस रहा है बिजनौर के अंदर कि कब पकड़ के कब चलान काट के पता नहीं चल रहा। और हम लोग ना रोड रोड ना जा करके देखो जंगल जंगल से जा रहे हैं। सेफ्टी जरूरी है। क्या सेफ्टी जरूरी है? तो सेफ्टी जरूरी है, तभी बिना हेलमेट के जा रहा था तू, ये तो मैंने लेके दिया। तो ये देखिए भैया हम प्रीतम प्यारे से मिल गए हैं, जो कि अभी हमें एल्बम दिखाने वाला है। हाँ भाई रेडी एल्बम? हाँ रेडी है बिल्कुल। ओके ओके चलो फिर आ जाओ, अभी फिलहाल शिवम गया पेट्रोल डलवाने, प्रीतम भी हमारे साथ जा रहा है। देखो बैठ गया प्रीतम, प्रीतम कितनी दूर है यहाँ से एल्बम वाले? ऐसे मुश्किल से 100 मीटर 100 मीटर दूर है। चलो भाई किधर? 100 मीटर दूरी पे जा रहे हैं हम लोग, और अब प्रीतम हमें अपनी एल्बम दिखाने वाला है, तो परफेक्ट बनाइए कि नहीं बनाई? बिल्कुल परफेक्ट। इतनी पतली गली में लेके जा रहा है हमें, इससे पतली भी गली मिलेगी एक और। ये देखिए दोस्तों कितनी पतली पतली गलियों में निकाल रखा है। तो यहाँ भी आएगा तूने बनाने के लिए? नहीं बस्ती में। अच्छा नहीं, इतनी पतली गलियों में लेके जा रहा है कि हम लोगों को बाइक से उतरना पड़ गया। देखो हंसता हंसता जा रहा है, हंसता हंसता जा रहा है। देखो पीछे देखो मेरी कितनी पतली गली है, बाइक खड़ी करके आ गया। ये लग गई अपने काम पे, ये पढ़ाई करने लगी, शाबाश। यूटी कब से स्टार्ट है? कल से है आरटी रिवीजन टेस्ट। दोबारा स्टार्ट? और क्या कह रहा है? ये कैमरा देख के पढ़ने बैठी थी। और इसे देखिए, तू तो कैमरा देख के भी नहीं बैठ रहा मैं तो नहीं हेलो
खड़ो जल्दी, दोनों के दोनों धूप के मजे ले, एकदम सो रहे हैं। मस्त मजा। तेरे नहीं है टेस्ट? है के लिए। खड़ा हो तो फिर तू पढ़ ले कैमरा देख के। वो कम से कम बैठ तो गई सुबह पढ़ने में। कमेंट करने के लिए नंबर वन है, कमेंट करने के लिए एकदम नंबर वन है। मुझे कमेंट तो वीडियो पे करना है। पढ़ रही सुबह से। अच्छा हाँ भाई पढ़ रही सुबह से। मैंने कहा तू तो बाबूजी बना पढ़ाए। मैंने कहा मुझे अच्छा नंबर चाहिए इस बार से। अच्छा शिवम की बात मान लो, पढ़ाई कर लो। सो भाई मैं भी छत में आ गया था, ये शिवम बुला रहा था मुझे, कह रहा है कि धूप अच्छी हो रही है थोड़ी देर बैठते हैं। शिवम के साथ आ गया हूँ, थोड़ी देर बैठेंगे भाई धूप के मजे लेंगे। बाकी हम लोग आ गए थे प्रीतम के पास से, हम लोग आ गए थे। बता देते क्या कि प्रीतम ने कब मिलेगी एल्बम? 27 को। 27 को मिलेगी? 27 को मिलेगी एल्बम। अभी है थोड़े बहुत दिन, एक डेढ़ हफ्ते बाद एल्बम बनके तैयार हो जाएगी। तो फोटो उसने दिखाई थी अच्छी बन रही हैं। और शिवम अभी का क्या प्लान है फिर? पता नहीं, तो मुझे जाने नहीं दे रहे। अब आ रहा मजा? अब थोड़ी देर बाद लंच वगैरह करेंगे। ये देखो हमारे गाय वाले रूम आया लड़का, और ये भी आए हैं। वानी गाय कहाँ है और भैंस कहाँ है? वो वानी को पता है भाई। ओए वानी के पास पैसे हैं? हाँ भाऊ है। हाँ भाई ये देखो इतना शैतान होगा। ओए इधर आ भाई, ये बता मुझे, ये बता तेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं तेरे? चीज खा ली? अबे यार कुछ नहीं बचा। ये पता नहीं किनका है। आपको इसकी भाषा कुछ समझ में आ रही होगी, कुछ नहीं समझ में आ रही होगी, पर ऐसा ही है, ऐसे ही बोलता है। बाकी मैं और शिवम रखे थे गाय वाले रूम में। शिवम क्या करा रहा तू भी? कर तो रहे, ये पर्दा वर्दा बनवा रहे थे छप्पर का, हवा ना आए ठंड। कौन से वाली का? उसका। तो भैया चाचा मामा और शिवम अभी पर्दा बना रहे थे छप्पर का, जैसे हवा ना आए। और इधर जो क्या कहते हैं ये है ना, यहाँ पर गाय बनती है, हवा बनती है, तो इसके लिए पर्दा बना रहे बोरी का, हवा वगैरह जाते ठंडी ज्यादा हो रही ना। बाकी पूरी तैयारी करी आज, यही भैंस का गाय का काम कर रहे थे चाचा और मामा तो अभी बाहर लगे हुए भी हैं। ये देखिए दोस्तों बना दिए भाई मामा ने भैंस के लिए पल्ली। अब इससे क्या होगा, भैंस को ठंड नहीं लगने की। बांधेंगे भी इसे? बांधने के लिए चाहिए। अब बांधेंगे और सब बच्चे देख रहे हैं देखो। हाँ मस्त एकदम बढ़िया, बांध देते हैं नीचे से। तो दोस्तों ये देखिए आज मैं इसकी पिटाई कर रहा हूँ शिवम की। ये दिन भर गेम खेल रहा है, दिन भर इसे पूरा दिन हो गया गेम खेलते खेलते। अब आया है रूम में 8:30 बजे खाना खाने। अब कह रहा खाना जल्दी दे, तो खाना खा लेता हूँ उसके बाद फिर गेम में लगूंगा। चाचा लग रही तो मार रहा हूँ मैं। आप कमेंट करके बताइए अच्छी बात है इसकी। अगर दो बेल्ट और मारनी है तो मुझे बता देना, फिर कल से मैं दो बेल्ट और मारूंगा। इधर आ इधर इधर इधर। अरे ये भी आया देखो लड़का, ये भी गेमर का प्लेयर बना है। मैंने नहीं कटिंग देखो इसकी, यहाँ से पूरा सपाट है, इधर से एक और आया। तू भी आ जा, तू भी आ जा, इधर आ इधर आ इधर। भैया इधर इधर इधर। गलती तो बता दो भैया पहले, गलती यो है, गलती तो बता दो भैया पहले। चाहिए भैया तुम्हारी गलती का वेट करूंगा। चलो दोनों बीच वन वर्ड दिलो आज वन ही वन टू कर। सेम आप तो हंसने में रह गए। भैया है ना जीतना, तो क्या फायदा बेइज्जती वेइज्जती होने। तो सर बेटा ज्यादा जाने मेरे अंदर देख रहा। चलो आम रेसलिंग कर लो, कौन जो जीत जाए। भैया तुम्हें तो कह रहे हो मेरे अंदर ज्यादा जाने। गेड़ी टूट जाएगी इसकी, गेड़ी तेरी दो हड्डी है। मनु तमाशा देख रही थी, एक थप्पड़ उसका ही बनता है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।